तो दोस्तों आज की वीडियो में फिर से लेकर आए हैं खुआ का एक स्पेशल डिज़ाइन दोस्तों, यूनिक डिज़ाइन, जो कि दोस्तों इस डिज़ाइन का फ़ोटो दोस्तों धनबाद से लाया गया है और उसे कॉपी किया है दोस्तों मैंने, और कॉपी करके इस तरह का मिठाई बनाया है दोस्तों। तो चलिए बताते हैं कैसे बनता है ये मिठाई। सबसे पहले दोस्तों हम दो कलर तैयार करेंगे, एक वाइट कलर आपने देखा और एक ये येलो कलर। दो कलर को खुआ को हम पहले तैयार कर लेंगे दोस्तों। ये मीठा खुआ है तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन खुआ का लेकर आया आज का दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही दोस्तों मेरे वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से तरह तरह के मिठाई का वीडियो मिलता रहेगा। तो दो कलर का खुआ हमने तैयार कर लिया, येलो और वाइट दोस्तों। उसके बाद काजू को इस तरह से चूर देंगे दोस्तों। ये काजू है दोस्तों बिल्कुल दानेदार, थोड़ा सा महीन दानेदार काजू को हम बना लेंगे। ये हमारा काजू चूर करके दानेदार करके कंप्लीट कर लिया दोस्तों। अब ये दो कलर हमने लिया है वाइट और येलो, वाइट वाला को पहले दोस्तों हम अच्छी तरह से चौपाइल कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर जो दोस्तों हम येलो वाला को डालेंगे दोस्तों। दोनों में इलायची दिया हुआ है, येलो वाला हम थोड़ा सा गुलकंद दे दिए, थोड़ा सा वेनिला दे दिए हैं, अलग थोड़ा सा टेस्ट कर दिए उसका दोस्तों। उसके बाद इस येलो वाले को दोस्तों वाइट वाला के अंदर पूरा पैक कर देना है, जिससे कि दोस्तों ये रोल हो जाएगा एक तरह से, बिल्कुल रोल, ये नॉर्मल रोल है दोस्तों। इस तरह का रोल हमेशा बनता है मिठाई दुकान में, कई बार आपने हमें भी देखा होगा बनाते हुए। और दोस्तों मेरे प्ले लिस्ट में दोस्तों बहुत सारा खुआ का मिठाई है, खुआ आइटम का जब लिस्ट में जाइएगा दोस्तों ढेर सारा खुआ का मिठाई मिलेगा दोस्तों। तरह तरह की और भी मिठाइयाँ हैं दोस्तों, नमकीन है। तो इसे हमने अब किया क्या है कि रोल कर लिया है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी का लेप लगा देंगे, घी का लेप लगा देंगे ताकि जो हमने काजू को छूर करके रखा है दोस्तों इस पर आसानी से चिपक जाएगा काजू। दोस्तों इस मिठाई का फोटो धनबाद से लाया गया दोस्तों, धनबाद से मिठाई लाया गया, बोला गया उसका कॉपी करना दोस्तों, तो इसी का मैंने कॉपी किया दोस्तों, देख करके उस तरह का मिठाई मैं बना रहा हूँ दोस्तों। तो किया क्या हमने, पहले तो रोल तैयार कर लिया वाइट वाला के अंदर, येलो वाला के डाल करके एक नॉर्मल रोल हमने तैयार कर लिया है खुआ रोल। उसके बाद इस पर ऊपर घी का लेप लगा दिया है। अब दोस्तों इसमें हम काजू का रोल करेंगे, यानी काजू इसके ऊपर लेप लगाएंगे, पूरे राउंड में काजू को लेप लगाएंगे दोस्तों। महीन दानेदार काजू को हमने छोड़ के पहले से ही रखा था। अब दोस्तों काजू का रोल कर देने के बाद अब इसका हम कटिंग करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये पिस्ता हमने कट करके रख लिया मशीन से, महीन महीन, बहुत महीन पिस्ता हमने कट करके रखा है। अब इसका हमने रोल तैयार कर लिया है, अब इसका हम पीस सबसे पहले काटेंगे दोस्तों, और पीस थोड़ा सा मोटा मोटा काटेंगे ताकि इसका हम एक का बाद में दो पीस कर सकें। उस हिसाब से दोस्तों पीस काटना है, लगभग 50 से 60 ग्राम का पीस काटना है, क्योंकि दोस्तों इसको एक का हम दो पीस करने वाले हैं कटिंग करने के बाद। तो हमने पीस कट कर लिया है दोस्तों, अब इसे हमने गोल कर लिया है, अच्छी तरह से गोलाकार हमने इसे बना लिया है। अब फिर इसके ऊपर हम घी का लेप लगाएंगे। तो अब दोस्तों समझ सकते हैं इस मिठाई में क्या क्या चीज़ मिश्रण हुआ है। सबसे पहले खोआ दो तरह का टेस्ट का हमने इसमें डाला, इलायची टेस्ट का और वेनिला गुलकंद का टेस्ट का, पीला वाला है वो डाला है। उसके बाद दोस्तों उसमें रोल में हम घी का लेप दिए दोस्तों, वो एक अलग टेस्ट होता है। उसके बाद दोस्तों हम इस पर काजू का लेप लगाएं, वो एक अलग चीज़ हो गया। अब फिर से हम दोस्तों घी का ऊपर से लेप लगा रहे हैं, उसके बाद फिर से इसके ऊपर हम पिस्ता देंगे। यही सब चीज़ें दोस्तों इस मिठाई को बनाता है बेहतरीन और लाजवाब दोस्तों। तो 4-5 चीज़ों का दोस्तों संगम हो जाता है इस मिठाई में, जो कि बनाता है मिठाई को बेहतरीन और बिल्कुल यूनिक भी है दोस्तों मिठाई। तो जो लोग हलवाई हैं, जो हलवाई काम सीखना चाहते हैं दोस्तों, मिठाई काम सीखना चाहते हैं यूनिक यूनिक मिठाई खुआ का, वो मेरे चैनल पर जुड़ के रहे दोस्तों। ऐसे तरह तरह मिठाई देखने को मिलेगा दोस्तों मेरे चैनल पे। तो दोस्तों अब ये हमारा मिठाई लगभग कंप्लीट हो चुका है, अब इसका हम एक का दो पीस करेंगे और इसी साथ ही हमारा मिठाई कम्प्लीट हो जाता है। और एक हमारा भाई है मनोज कुमार विश्वकर्मा, बहुत अच्छा भाई ने कमेंट किया, मुझे एडवाइस किया है, मैं फॉलो उनके बातों को करूँगा दोस्त। भैया मनोज कुमार विश्वकर्मा आप मुझे कमेंट करते हैं हमेशा, मेरी वीडियो देखते हैं, आपको दिल से थैंक्स, ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए, आइडिया देते रहिए दोस्तों। तो दोस्तों अब ये हमारा मिठाई कम्प्लीट हो चुका है, ऐसे हम ट्रेल में अच्छी तरह से सेव कर लेंगे और ये चला जाएगा काउंटर में बिकने के लिए दोस्तों। तो इसी साथ दोस्तों हमारा मिठाई आज का कम्प्लीट हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो बताइएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।